This is Randeep, your tiny teacher, and today our topic is food. This topic is specially designed for the students of class 4. So let's start the topic food. आज का टॉपिक फूड है क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए. तो सारे स्टूडेंट्स इसे इस टॉपिक को ध्यान से देखिए. मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझाऊंगा और जो क्लास 3 में जो आपने पढ़ा है उस पर हम लोग इस टॉपिक को उस पर हम लोग बिल्ड करेंगे, यानी उसके ऊपर हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे फूड के बारे में. तो हम शुरू करते हैं टॉपिक फूड. तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज फूड, फूड क्या है. तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ फूड क्या है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, वो जो कुछ भी आप खाते हैं वो फूड है. जैसे आप टिफिन में क्या लाते हैं, टिफिन में आप रोटी लाते हैं, सब्जी लाते हैं, कई बार आप बिस्किट भी खाते हैं, नूडल्स भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें आप खाते हैं, कई बार आप फ्रूट्स लेके आते हैं. तो फूड क्या है, कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि अगर थाली में कई सारी चीजें जो आप थाली में लेके खाते हैं वही फूड है, ऐसा बिल्कुल नहीं. वो कोई भी चीज, एनीथिंग, वो कोई भी चीज जो आपको खाने में अच्छी लगती है, जिसे आप लोग खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं. तो खाने वाली कोई भी चीज जिसे हम खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड. इसी बात को हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि फूड क्या है, एनी एडिबल थिंग, खाने योग्य कोई भी चीज, विच वी ईट इज कॉल्ड फूड. खाने वाली कोई भी चीज जिसे हम खाते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फूड बोल सकते हैं. ठीक है, फूड में एक चीज होना चाहिए, क्या, फूड हैज न्यूट्रिएंट्स. फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम वो कोई भी फूड जो खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, बच्चों किस लिए खाते हैं बताइए. एग्जैक्टली, हम न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को फूड नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए. और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं बच्चों, फूड से मिलते हैं. अब देखिए फूड में हम लोग क्या क्या खाते हैं, राइस, राइस को बॉइल करके खाते हैं, बॉइल्ड राइस, चावल को उबाल के खाते हैं जिसे हम चावल बोलते हैं, चपाती, हम लोग व्हीट फ्लावर को यानी गेहूं के आटे से चपाती बना के खाते हैं, वेजिटेबल्स, हम लोग सब्जियां खाते हैं कुक करके, कुक्ड वेजिटेबल्स, उनको सब्जियों को हम लोग कुक करके खाते हैं, कई सब्जियों को हम लोग रॉ भी खाते हैं, कच्ची सब्जियों सब्जियां भी खाते हैं, हम लोग बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मीट खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, कई प्रकार की चीजें खाते हैं, ये सारे हमारे फूड हैं. क्यों फूड क्यों है, क्योंकि इनमें हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है. बच्चों तो आप समझ गए, वो कोई भी चीज जो हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं. फूड में क्या होता है, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. तो हम लोग फूड न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, खाने में न्यूट्रिएंट्स होना क्यों जरूरी है. फाइन, अब इस क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढेंगे, ठीक है. तो अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे. न्यूट्रिएंट्स का स्पेलिंग देख लीजिए, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व. क्या बोलते हैं बच्चों, पोषक तत्व, ठीक है. तो न्यूट्रिएंट्स का देखिए डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंस. यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूजफुल यानी बहुत उपयोगी सब्सटेंस है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन फूड. और न्यूट्रिएंट्स हमें कहां मिलते हैं, खाने में, फूड में हमें मिलता है, ठीक है. तो हम खाना क्यों खाते हैं, फूड क्यों खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए. और न्यूट्रिएंट हमें कहां मिलता है, फूड में मिलता है. हमें समझ में आ गया. तो आपसे कोई भी पूछे कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंस व्हिच सब्सटेंस फाउंड इन फूड. न्यूट्रिएंट वो यूजफुल सब्सटेंस है जो कि हमें कहां मिलता है, फूड में मिलता है. जैसे हम राइस भी खाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हम चपाती खाते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट मिलता है, वेजिटेबल खाते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मीट खाते हैं, सारे फूड आइटम्स में हमें कोई ना कोई कोई एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट क्या एक है या न्यूट्रिएंट्स एक से ज्यादा है. नहीं, न्यूट्रिएंट्स एक से ज्यादा है. और कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, उनका नाम मैंने यहां पे लिखा है, देख लीजिए. पहला नाम लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद मैंने लिखा है प्रोटीन्स,
Then thereafter I have written fats, vitamins and minerals. तो ये जो पांच मैंने नाम लिखे हैं, ये पांचों न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी जो भी हम खाना खाते हैं उनमें हमें क्या मिलता है, ये पांचों न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। किसी खाने में कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलता है, किसी खाने में कोई न्यूट्रिएंट कम मिलता है, और इन न्यूट्रिएंट्स की किसको जरूरत होती है? हमारी बॉडी को। तो बच्चों अभी तक इस वीडियो लेसन में क्या जाना, अभी तक हमने जाना कि फूड, वो जो भी कुछ हम लोग खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं। इंग्लिश में हम लिख या बोल सकते हैं एनी एडिबल थिंग विच वी ईट इज कॉल्ड फूड। फूड में क्या होता है? फूड हैज न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। खाने से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, लेकिन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वेरी नाइस। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी उपयोगी सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, फाउंड इन फूड, जो हमें कहां मिलता है? खाने में मिलता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप पहचान सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है। आपसे कोई पूछे प्रोटीन क्या है, या आप खुद से पूछे प्रोटीन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है। आपसे कोई पूछे फैट क्या है, या आप खुद से पूछे व्हाट इज फैट, तो आपका आंसर क्या होगा? फैट इज अ न्यूट्रिएंट। आपसे कोई पूछे विटामिन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? विटामिन इज अ न्यूट्रिएंट। आपसे कोई पूछे मिनरल्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें कहां मिलते हैं? फूड में, खाने में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने जान लिया फूड के बारे में और न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगे, तो पहला न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमें फूड में कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए? इसका आंसर ये है कि पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो वही आंसर जो आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट व्हिच गिव्स अस एनर्जी, जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अभी लिखा है वी नीड एनर्जी टू वर्क। आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे काम पूरे दिन में करते हैं, तो कोई भी काम करने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी को, यानी हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन से न्यूट्रिएंट से मिलता है? एनर्जी हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट की पहली पहचान, कार्बोहाइड्रेट का पहली पहचान क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो आपको याद कर लेना है, इसको कॉपी में लिख लेना है और याद करना है। क्या लिखना है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट व्हिच गिव्स अस एनर्जी। उसके बाद एक लाइन और ऐड करना है, वी नीड एनर्जी टू वर्क। हमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस बोलने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होती है। मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं या बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसके लिए मेरी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेगा? फूड यानी खाने में मिलेगा। फाइन। अब सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा हमें, कौन से खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। क्या बोलेंगे? सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, कहां कहां कार्बोहाइड्रेट मिलता है? राइस में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बॉइल्ड राइस जो हम लोग खाते हैं, चावल, चपाती, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो, आलू में होता है, बनाना और शुगर, इसमें हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। पूरे दिन हम जो भी काम करते हैं, जो भी एनर्जी खर्च करते हैं, वो हमें कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है राइस, चपाती, पोटैटो, बनाना और शुगर में। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है फैट्स। तो हम फैट्स के बारे में जानेंगे। फैट्स क्या है? फैट्स क्या है बच्चों, बताइए? बिल्कुल सही, फैट्स क्या है? फैट्स, फैट एक न्यूट्रिएंट है। क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो फैट इज अ न्यूट्रिएंट। उसके आगे लिखा है विच गिव्स एनर्जी, और फैट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, वैसे फैट भी हमें एनर्जी देता है।
एनर्जी देने के अलावा फैट का दो और फंक्शन है जिसे मैंने पॉइंट वन और पॉइंट टू में लिखा है। पॉइंट वन क्या लिखा है देखिए, पॉइंट वन लिखा है फैट कीप्स आवर बॉडी वार्म। फैट हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का कम हो जाता है तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होता है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, जो गर्मी है हमारी बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रखना जरूरी होता है। और ये मेंटेन रखने में कौन हमारा हेल्प करता है, फैट। तो फैट कीप्स आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। दूसरा, फैट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन है, हमारा लीवर है, हार्ट है, किडनीज है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये फैट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर के बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। तो फैट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एनर्जी देने का काम है। दूसरा फंक्शन क्या है, बॉडी को हमारे वार्म रखता है, गर्म रखता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन क्या है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। अब हम जानेंगे फैट्स के सोर्सेस के बारे में। फैट्स के सोर्सेस क्या क्या है, ऑयल, जितने भी प्रकार के तेल हम खाते हैं या खाना सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उन सब में हमें बहुत ज्यादा फैट मिलता है। सारे ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल, और भी बाकी सारे ऑयल हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये ऑयल से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट मिलता है। इसके अलावा फिश, हम फिश खाते हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा फैट मिलता है। मीट, हम जो भी मीट खाते हैं उसमें हमें फैट मिलता है। घी खाते हैं और इन चीजों में बहुत ज्यादा फैट मिलता है। तो फैट के सोर्सेज हमारे ये सारे हो गए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है आप बता सकते हैं कि प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट, आपका आंसर पता है आपको, प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट। उसमें आगे मैंने लिखा है विच हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, बॉडी को ग्रो यानी बॉडी को बढ़ने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी टू रिपेयर, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। रिपेयर का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज अगर खराब हो जाती है, कोई माल फंक्शन आता है, उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो हम उस चीज को रिपेयर करते हैं। वैसे हमारी बॉडी में कई बार क्या होता है, हमें चोट लग जाती है, हमारा कोई बॉडी पार्ट टूट जाता है, तो उस बॉडी टूटे हुए बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के लिए बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए बच्चों, बिल्कुल सही, क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन के बारे में आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी टू रिपेयर, ये ग्रो करता है बॉडी को और बॉडी को रिपेयर करने में भी मदद करता है। अब हम जानेंगे सोर्सेस के बारे में। आपको पता है सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब ये है कि प्रोटीन कहाँ मिलेगा, कौन से खाने में हमें प्रोटीन मिलेगा। तो देखिए प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या है, पहला सोर्स इंपॉर्टेंट पल्सेस, पल्स मतलब दाल, जितने भी प्रकार के दाल होते हैं उन सब में हमें हाई क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मिल्क, दूध पीने में हमें प्रोटीन मिलता है, इससे घर पे आप बच्चों को, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दूध पिलाने के लिए इंसिस्ट करते होंगे। मीट, मीट में हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, और एग्स में भी हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के सोर्सेज हो गए। अब देखिए अगर इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे अगर आप कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रोटीन, तो आपका आंसर देना है कि प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट व्हिच हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी टू रिपेयर, इसका मीनिंग आपको पता है। आप ये भी बोल सकते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, मिल्क, मीट और एग। तो आपसे कोई भी पूछता है प्रोटीन के बारे में, तो आप इतना आंसर देंगे और ये आंसर इनफ है उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए। इतना ही आंसर अगर आप एग्जाम में भी आता है प्रोटीन के बारे में लिखते, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों आप समझिए प्रोटीन क्या है, क्या है, क्या है प्रोटीन, प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट, और आगे लिखना है विच हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रिपेयर, फाइन। अब हम जाते हैं अगले पॉइंट पे, अगला न्यूट्रिएंट क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। ये शब्द आप बार बार सुनते होंगे, विटामिन, विटामिन, खाने पीने में विटामिन मिलता है। कई बार विटामिन की कमी होने से हमें बीमारियां हो जाती हैं और डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर बोलता है कि ये विटामिन लेना लेने की जरूरत है। तो विटामिन और मिनरल्स क्या है, आंसर आपके पास है, विटामिन एंड मिनरल्स
are nutrients or vitamins and minerals help our body to remain healthy. हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में विटामिन और मिनरल हमारी सहायता करते हैं. इसका मतलब अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं. इसका मतलब आप खाने में पूरा खाने में विटामिन और मिनरल्स आप ले रहे हैं. आपके खाने में आपको ही मिल रहा है विटामिन और मिनरल्स. तो विटामिन और मिनरल्स के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने वन डाल के लिखा है. देखिए ये है, विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस. विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती हैं. तो ये इसका फंक्शन हो गया. अब हम जानेंगे सोर्सेज के बारे में, विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज क्या क्या हैं. तो विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज क्या हैं? मीट जो हम लोग खाते हैं, मीट में हमें विटामिन और मिनरल्स मिलता है. इसके अलावा फ्रूट्स में बहुत ज्यादा विटामिन मिलते हैं, अलग अलग फ्रूट में अलग अलग विटामिन मिलते हैं. वेजिटेबल्स सब्जियों में मिलते हैं और दूध में हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं. तो आज जो क्लास फोर का चैप्टर है फूड एंड हेल्थ, और उसमें हमने आज फूड के बारे में जो पहला वीडियो बनाया क्लास फोर के स्टूडेंट्स के लिए, पहला वीडियो, इसमें हमने जाना फूड क्या है और फूड के में हमें जो जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके बारे में जाना, और जो चारों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है इसके बारे में हमने डिटेल में जाना. इस वीडियो को देखने के बाद आपको फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरा अच्छे से आइडिया हो गया होगा. बोर्ड पे मैंने जो भी डेफिनेशन से जो चीजें लिखवाई उसे आप देख के याद कर लें, और इसके बेसिस पे आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज फूड, तो आप फूड का आंसर दे सकते हैं. आपसे कोई पूछता है न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट के बारे में बता सकते हैं. आप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता सकते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या है वो आप बता सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देख के आप लोग इससे फूड के बारे में अच्छा नॉलेज गेन कर लीजिए, ताकि आपको अगली क्लास में इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीजों को सीख सके. थैंक यू सो मच. गुड डे.